बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, आप मेरा चैनल देख रहे हैं इन्फोटेक एमएस। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूएई में रहते हैं। आप लोगों के साथ एक छोटी सी बैड न्यूज़ और बहुत सारी जो है वो गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो स्किप आपने नहीं करनी, वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया, तो फौरन ये दोनों काम करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी और जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको छोटी सी बैड न्यूज़ सुनाने वाला था वो ये है कि मार्च से पेट्रोल की जो प्राइस है वो यूएई गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। अब आपको जो पेट्रोल मिलेगा वो सुपर 98 जो पेट्रोल है वो आपको मिलेगा 3.23 में। अगर बात करें स्पेशल 95 की तो वो आपको मिलेगा 3.12 में। अगर ई प्लस की बात करें तो वो आपको मिलेगा 3.05 में। और अगर डीजल की बात करें तो वो आपको मिलेगा अब से 3.19 में। तो ये पेट्रोल की प्राइस जो है ये मार्च से जो है इसका आगाज़ कर दिया है यूएई गवर्नमेंट ने, इसकी प्राइस जो है वो बढ़ा दी है। अब चलते हैं गुड न्यूज़ की तरफ। गुड न्यूज़ पहली ये है कि GDRF और ICA की जो आपको अप्रूवल लेनी पड़ती थी यूएई में एंटर होने के लिए वो अब ख़त्म कर दी गई है। तो अब आपको किसी किस्म की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर टू पे जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि रैपिड टेस्ट जो आपको करवाना पड़ता था यूएई में एंटर होने के लिए उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। नंबर थ्री पर जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो है यूएई से जो ट्रैवल करके जा रहे थे पाकिस्तान, तो उन लोगों के लिए पाकिस्तान ने जो है PCR जो है उसको ख़त्म कर दिया है। इसकी एक शर्त यह है कि आप फुल वैक्सीनेटेड होने चाहिए, मतलब कि आपकी जो डोज़ है तीनों डोज वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर तो आपकी डोज जो है वो कंप्लीट नहीं है, आप वैक्सीनेटेड नहीं है, तो आपको पाकिस्तान जाने के लिए जो है वो PCR की ज़रूरत पड़ेगी और वो 48 आवर्स पहले का होना चाहिए। नंबर फोर पे जो मैं आपको गुड न्यूज़ सुनाता चलूँ वो ये है कि अब आप दुबई से अबू धाबी जाने के लिए PCR की ज़रूरत नहीं होगी, PCR नहीं करवाना पड़ेगा, ग्रीन पास की ज़रूरत नहीं होगी। पहले तो ये था कि आपको 14 डेज जो था वो आपका ग्रीन पास रहता था और आफ्टर 40 डेज आपको अगेन PCR करवाना पड़ता था उसको ग्रीन रखने के लिए, पर अब ये शर्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तो ये सारी गुड न्यूज़ थी आपके साथ। दोस्तों, आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अपने फीडबैक अपना ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।